आज आप हिंदुस्तान के महानतम एक्टरों को देख रहे हैं, अनुपम सर, बोमन जी, नीरा जी, आप देखिए ना, एक एक फ्रेम में आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स सब देख रहे हैं, जैसे आप देखते हो सचिन वगैरह एक साथ। तो मैं आज आपके साथ दोस्ती के किस्से लेके आया हूँ, अपने यहाँ साहब एक अनजान साहब करके बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, समीर के फादर शिवजी, वो जब आए या नए नए स्ट्रगल कर रहे थे जी, जी। तब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके घर में शादी थी, तो शादी के लिए पैसे चाहिए, उनके पास एडजस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। ओपी नैयर साहब को मालूम पड़ा। अच्छा। एक म्यूजिशियन के थ्रू तो उन्होंने बुलाया उनको, तो बोले आप अपना शादी का घर का काम बटा लीजिए और पैसे ले लीजिए। बोला सर मैंने आपके लिए कोई गीत लिखा नहीं और मैं कैसे पैसे लूँ आपसे। बोले वो सब होता रहेगा, तुम पहले अपना काम निकाल। नैयर साहब ने इतना पैसा उनको दे दिया, वो बात वहीं खत्म हो गई। थोड़े दिनों बाद गुरुदत्त साहब का निधन हो जाता है और गीता दत्त जी को उनकी जो मूवीज थी बाहर ये फिल्म भी आएगी वो वापिस उनको बनानी, तो उन्होंने अनजान साहब को बुलाया। तब वो मोहम्मद रफी वाला जो फेमस गीत है ना, सीन रुक पे आज मसीह, वो गाना उन्होंने लिखा और वो गाना अनमोल हो गया। आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया, तो मेरा क्या कसूर है। थैंक यू सर, ये गेम गया सर। शंकर जयकिशन साहब दोनों प्रोड्यूसर थे भट्ट साहब, उनकी ऑफिस में वेटिंग रूम में दोनों की मुलाकात होती है, एक तबला बजाते थे, एक हारमोनियम बजाते थे। उस समय राज साहब ने शंकर जी को एक मूवी दे दी थी, पर जब दोस्ती हुई ना तो उन्होंने बोला सर नाम तो शंकर जयकिशन रखेगा, खाली शंकर ने लिखा। और दोनों ने मिलकर 188 मूवीज की और इंडियन सिनेमा को। और जयकिशन जी साहब का पहले इंतकाल हो गया पर उसके बावजूद भी वो ब्रांड हुई रहा शंकर जयकिशन के नाम से। सन्यासी मूवी वगैरह सब जो आई थी वो अकेली थी, पर उसके नाम वो इतनी दोस्ती। और उन्होंने हसरत साहब, हसरत जयपुरी जो खिलौने बेचते थे, उनको लाके राज साहब से मिलाया। खिलौने बेचते थे और उनको लाके उनको मिलाया, और मिलाया भी कैसा कि राज साहब ने उसके बाद खाली शंकर जयकिशन के लिए उन्होंने 592 गाने लिखे थे सर। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट हसरत जयपुरी साहब ये। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब सबसे पहली जब फिल्म बना रहे थे ना, सबसे पहली फिल्म, तो शैला बाबू फिल्म बनाई सर, और बुलाया मोहम्मद रफी साहब को, तो रफी साहब तो बड़े दिल के बोले तुम नया नया काम कर रहे हो। बोले हाँ। जब मेहनताना की बात आई तो बोले ये मेहनताना तुम दोनों आपस में बांट लो और जिंदगी भर दोनों साथ में रहना। तो प्यारेलाल जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं हम लोग उसके बाद जिंदगी भर साथ रह लिया, रफी साहब की मेहरबानी थी, हम लोगों ने पैसा भी ले लिया। बोले यार ये फिल्मी दुनिया साहब, दिलों की दोस्तियाँ, और तो ये जो मूवी आ रही है ना ऊंचाई सर, ये दोस्ती की मिसाल है। आप दिल खुश हो जाएगा आपका और लोगों के दिलों में आप खुशियां बांटिए। दोस्ती बड़ी शानदार चीज है, दोस्ती आपके कद को ऊंचाई देती है। अब सालों में जीना या मिसालों में, जवाबों में जीना या सवालों में, सब हाथों में है तेरे, तू जाने। एक राय देता हूँ जो तू माने, जिंदगी को हक।